अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करना और फिर बिना किसी वजह के आपस में उलझ जाना आजकल के युवाओं के लिए आम बात हो गई है। राजनीतिक आरोपों तक तो सही है, लेकिन जब मामला व्यक्तिगत और ओछी बातें लिखने तक पहुंच जाता है तो फिर वही होता है जो कल मैनपुरी में हुआ। दरअसल मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर अभद्र बातें फेसबुक पर लिख दी, और जब उस पोस्ट पर लोगों ने एतराज जताया तो वाद विवाद में और भी गलत बातें लिखी गईं। इसी बात को लेकर अब मामला गर्मा गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सपाइयों में गुस्सा है। सपा जिलाध्यक्ष ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है। मामला गर्माता देख पुलिस ने टिप्पणी करने वाले भाजयुमो नेता को गिरफ्तार करके शांति भंग में कार्रवाई भी कर दी है। खबर के मुताबिक मैनपुरी के किसनी क्षेत्र के गांव किठार निवासी अजीत भदौरिया के सोशल मीडिया अकाउंट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश छा गया। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अजीत भदौरिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस से शिकायत की है। इस पर पुलिस ने भाजयुमो नेता को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ शांति भंग के आरोप में कार्यवाही कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत पर फिलहाल उसको रिहा कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अब समाजवादी पार्टी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है और कठोर कार्यवाही की मांग पर अड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।